गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। देखो अपनी सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री की, जिसके अंदर अपने यूनिट का नेम भी है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी उस सब्सटेंस की प्योरिटी में और उस सब्सटेंस को अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। देखो बड़ी लंबी यूनिट है तो खिंच गया है, तो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट ये भी किया था कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे। आज हमने इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, यानी हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर्स टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। यानी प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, कोई दूसरा सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसको कैसे अलग करेंगे, एक एक को हैज ए प्योर सब्सटेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखो जनरली मेथड्स ऑफ सेपरेशन अगर पढ़ना है हमने, दैट मींस हमें क्या करना है, देखो मिक्सचर्स के अंदर जितने कंपोनेंट है उनको सेपरेट आउट करना है। और अगर हम ये कहें, हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था एक कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे। इस केस में मिक्सचर तो अपना कैसा था, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, उसको हम क्या बोल रहे थे, मिक्सचर्स। और इसी केस में एक हमने पढ़ा था, यू कैन से एलिमेंट और कंपाउंड, ये दो डिफरेंट फॉर्म हमने पढ़े थे। एलिमेंट एंड कंपाउंड ये कौन से थे, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कोई भी सब्सटेंस मैटर है उसकी अगर प्योर फॉर्म को इंडिकेट करेंगे तो वो कौन है, एलिमेंट और कंपाउंड। और जब एलिमेंट और कंपाउंड दो या तीन आपस में मिला रखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, और वो क्या बन जाता है आपका, मिक्सचर्स। आज हमने ये पढ़ना है कि एक मिक्सचर में से एलिमेंट या कंपाउंड्स को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे टू सेपरेट दैट कंपोनेंट्स। अब देखो अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर ऐसा हो सकता है कि किसी सॉलिड के अंदर हमने सॉलिड को मिला रखा है, ये हम फर्स्ट टाइप की स्टडी करेंगे। सेकंड मिक्सचर ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड और लिक्विड को मिक्सअप कर रखा है, और थर्ड वन ये कहें कि सिर्फ आपने लिक्विड लिक्विड को मिक्सअप कर रखा है, या हम ये कहें गैसेज मिक्सचर हमारे पास है। ये डिफरेंट टाइप्स हमने वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन देखो, हम सॉलिड सॉलिड को कैसे अलग करेंगे, सॉलिड और लिक्विड आपस में मिला रखे हैं तो कैसे मिक्सअप कर है उसको सेपरेट आउट करेंगे, या गैसेस के जो मिक्सचर्स है उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। इस फॉर्म में ये सॉलिड और लिक्विड या गैस मेंशन किया है, ये हमने क्या इंडिकेट किया है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। देखो ये मैटर की फिजिकल स्टेट के अनुसार कर रहे हैं। ये मैटर या तो आपका क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, या फिर क्या होगा, कोई भी कंपाउंड, दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई भी। अब इसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, इसको वन बाय वन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड और सॉलिड कंपोनेंट को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। देखो अगर हमें कोई भी सॉलिड के अंदर सॉलिड कंपोनेंट ही मिला रखा है, अब इसमें अगर अच्छा सा एग्जांपल लेके देखें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे हम ये कहें आपके, जैसे हम राइस कुक करके खाते हैं, तो राइस के अंदर आपके कुछ हे आपको नजर आ रही हैं, या कुछ ये है कि अच्छी क्वालिटी के राइस नहीं है तो कुछ स्टोन भी होते हैं उसके अंदर। अब ये अगर देखें हम तो राइस भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हे यानी कोई घास फूस, कई बार धान के पीसेस मिल जाते हैं हमें चावल के अंदर, यानी उसके छिलका मिल जाता है, या हम ये कहें कि कुछ स्टोन भी मिल जाए हमें, तो
ये जो हमारे पास एक कॉमन बन गया राइस हे प्लस स्टोन, ये क्या है? एक मिक्सर। यानी इस टाइप के मिक्सर पड़ेंगे जिसमें जितने भी कंपोनेंट है वो सॉलिड स्टेट में, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड कोई कंपोनेंट है। अब सेकंड वन देखते हैं कि ऐसा कोई सॉलिड प्लस सॉलिड कंपोनेंट है उसको सेपरेट आउट करने के लिए क्या मेथड अपना सकते हैं। अब सॉलिड में से सॉलिड को अलग करने के लिए जो मेथड हम फॉलो करेंगे वो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, मेथड यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड कंपोनेंट्स। सॉलिड को सॉलिड में से ही अलग करना है तो कौन कौन से मेथड फॉलो कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट वन हम ये कहें कि अगर साइज बड़ी है और कम अमाउंट को हमें करना है, जैसे आपने एक कटोरी दाल को ही साफ करना है, तो ऐसे केस में हम क्या अपनाते हैं? हैंड पिकिंग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं हम? हैंड पिकिंग। यानी हैंड पिकिंग सबको पता है कि आपने एक कटोरी आधी कटोरी दाल चावल साफ करने, हम क्या करते हैं उसको कोई खुले बर्तन में प्लेट में थाली में डाल के और एक एक जिसका अमाउंट कम हो, कंकर ज्यादा और दाल कम हो तो दाल को उठा लेंगे, और दाल ज्यादा है अपने उसमें कंकर कम नजर आ रहे तो एक एक कंकर को हैंड पिकिंग से हम उसको अलग कर देते हैं। ये इजी वे हमने खूब देखा है। या इसी वे में हम देखें कि अगर आपने कुछ इजी वे में उसको सेपरेट आउट करते हैं, कंडीशन क्या है हैंड पिकिंग की? दो या तीन कंपोनेंट जो आपस में मिक्सअप कर रखे हैं वो सॉलिड होने चाहिए। सेकंड वन कंडीशन क्या है? उनकी साइज ऐसे कंपेरेबल होनी चाहिए कि आप हैंड पिकिंग से उसको अलग कर सके, आप इजीली डिटेक्शन कर सके। ऐसे कंपोनेंट को हम किससे अलग करेंगे? हैंड पिकिंग से, वन बाय वन उठा के रख सकते हैं। जैसे आपके पास ये कहें किसी भी प्लेट के अंदर आपको राइस भी नजर आ रहे हैं और इन बिटवीन अगर यहां कुछ आपको स्टोन नजर आ जाए, कंपेरेबल ये होना चाहिए कि उसकी साइज जितनी हो कि आप उसको हाथ से इजीली हैंड पिकअप कर सके, तो इस कंपोनेंट में हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे? हैंड पिकिंग से सेपरेट आउट करेंगे। यानी जो हमने रेड से इंडिकेट किया लेट ये स्टोन को इंडिकेट कर रहा है, और लाइन से जो इंडिकेट कर रहा है रेड ये आपके राइस को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट में अगर हमें सेपरेशन करना है तो सिंपल किससे करते हैं? हैंड पिकिंग से करते हैं। सेकंड वन प्रोसेस अगर देखें, सेकंड वन प्रोसेस हम यूज कर लेते हैं विनोविंग। विनोविंग भी आपने खूब देखा होगा। देखो, हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर हम हैंड पिकिंग कर रहे हैं इस केस में पहली कंडीशन तो यही है कि हम सॉलिड में से सॉलिड को ही सेपरेट आउट कर रहे हैं। सेकंड वन कंडीशन क्या रखनी है हमने? साइज ऑफ कंपोनेंट कंपेरेबल होना चाहिए कि आप इजीली उसको हाथ से पिकअप कर सके। सेकंड वन क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट के लिए करते हैं। ये नहीं कि आपने क्विंटल दो क्विंटल साफ करना और उसको हैंड पिकिंग से लग गए, ये नहीं है ना। उसको आपने एक प्रॉपर वे में करना है। कब यूज करते हैं? जब स्मॉल अमाउंट को प्योरीफाई करना है हमने, तो आपने ये कंडीशन ध्यान रखनी है। सेकंड वन हम विनोविंग देखते हैं। विनोविंग भी क्या करते हैं? सॉलिड में से सॉलिड को अलग करना है हमने, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि एक सॉलिड का जो कंपोनेंट है वो लाइट वेट होना चाहिए और सेकंड वन क्या होना चाहिए? हैवी होना चाहिए। यानी ये कंडीशन तो सभी में रहेगी कि हम सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेट आउट कर रहे हैं। ऐसे सारे प्रोसेस हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो हैंड पिकिंग से कब करेंगे? जब साइज कंपेरेबल हो, कम अमाउंट हो। विनोविंग कब करेंगे हम? आपने जो दो सॉलिड यूज किए इनमें से हम ये मान के चलेंगे किसी भी एक सॉलिड उसका क्या होना चाहिए?
वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मस्ट बी लाइट इन वेट। एक क्या होना चाहिए आपका, लाइट इन वेट होना चाहिए। और इस मेथड्स में अगर देखें हम तो किसके ऊपर बेस है, ये उसके वेट के ऊपर बेस है। और ये किस पे डिपेंड करता है, एयर पे डिपेंड करता है, यानी ब्लोइंग एयर स्पीड ऑफ एयर पे डिपेंड करता है। यानी हमें यहाँ क्या चाहिए, एयर चाहिए, और एयर की स्पीड पे ये डिपेंड करेगा कि कैसे एयर ब्लो कर रही है। विनोविंग में क्या करते हैं, आपने देखा है कि हम या तो क्या करते हैं, हवा चल रही हो, या हम क्या करते हैं, फैन यूज करते हैं। और फैन के आगे क्या करते हैं हम, किसी भी एक इस तरह से हम ये मान के चले डिवाइस के अंदर हमने ग्रेन्स को यहाँ यूज करते हैं, और इस ग्रेन के साथ लेट हम ये इंडिकेट कर दें कुछ हे पार्टिकल्स हैं। इस केस में जो आपके हे पार्टिकल्स होंगे इसको क्या करते हैं हम, लेट कोई भी पर्सन आपका जो विनोविंग कर रहा है वो क्या करता है, एक हाइट के ऊपर स्टैंड अप होके किसी भी टेबल के ऊपर यहां से विनोविंग करता है। इस केस में क्या करते हैं, जैसे ही यहां से एयर ब्लो करती है तो यहां हमें डिफरेंट हीप मिल जाते हैं। कैसे हीप मिलेंगे, देखो जो पार्टिकल्स आपके भारी होंगे, हैवी होंगे, वो तो जस्ट इसके नीचे फ्लो अप कर जाएंगे, और जो लाइटल पार्टिकल्स थे वो क्या करेंगे, फ्लो अप करके दूर जाके अपना हीप बनाएंगे। हम ये कहें देखो ये जो बन गया है आपका एक हीप, ये तो किसका होगा, हैवी वेट। जनरली हम किसको सेपरेट आउट करते हैं, ग्रेन्स को। और जो ये हम हीप बना रहे हैं यहाँ, ये इस तरह से एक हीप बनेगा, लाइटर पार्टिकल्स का होगा, ये लाइटर वेट पार्टिकल्स का होगा। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमने हे या हस को ग्रेन से अलग करना हो, तो ये मेथड्स हम किसके लिए अपनाते हैं, जब दो सॉलिड को सेपरेट आउट करना हो जिसमें एक का लाइट वेट हो और सेकंड वन का क्या हो, हैवी वेट हो। जैसे ही फैन आपका या रोटेट करेगा, देखो जैसे ही फैन रोटेट कर रहा है एयर ब्लो करेगी, यहां से एयर ब्लो करेगी, तो जैसे हाइट से हम उसको गिराते हैं तो जो लाइटर पार्टिकल्स के थे वो हवा के साथ फ्लो करेंगे, और हैवी पार्टिकल्स थे जस्ट उसी के बिलो गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, टू सॉलिड कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ विंड। यानी अगर हम ये कहें एयर को स्पीड के साथ कंसीडर करें तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, विंड। और विंड से ही क्या बना दिया हमने, विनोविंग। क्या बना दिया है, विनोविंग। तो यहां अगर हम इसको डिफाइन करें तो विनोइंग को क्या कह सकते हैं हम, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम हैवियर विद हेल्प ऑफ विंड। देखो विनोविंग हम किसको कहेंगे, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सॉलिड पार्टिकल विद हेल्प ऑफ विंड, दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोविंग। विंड की हेल्प से लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर से अलग करना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विनोविंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं हम। अब सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट आउट करना, ये तो अपनी आम लाइफ में यूज करते हैं, है ना। जैसे अब गेहूं निकाला होगा तो क्या करता है वो, कुछ साथ में थोड़ी भूसा दे देता है, तो हम क्या करते हैं, फैन चला के या कूलर के आगे ऊपर से, आपने मम्मी वगैरह को देखा होगा, थोड़ा ऊपर से छाज में डाल के डालते हैं तो गेहूं का ढेर एक जगह लग जाता है, और लाइटर जो पार्टिकल्स है एयर मींस उसके जो थोड़ी साथ में आगे है वो उड़ जाती है, तो वो प्रोसेस कौन सा है, विनोविंग। सेकंड वन अगर
करते हैं हम सब्लीमेशन, है ना, ये लैब में अपनी कर सकते हैं, ये घर पे नहीं करके देखते हैं। सब्लीमेशन कब करते हैं हम, जब कोई भी दो सॉलिड है लेकिन कंडीशन ये है कि एक सब्लीमेट सब्सटेंस होना चाहिए। पीछे जनरेट में पढ़ा था, देखो सब्लीमेशन क्या है, सिंपली प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लीमेशन। अब सब्लीमेशन प्रोसेस कौन सो करता है, तो इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, सब्लीमेट सब्सटेंस। अब देखो ये सब्लीमेट सब्सटेंस क्या होता है, दैट अंडरगो सब्लीमेशन, तो ये कह सकते हैं सब्सटेंस दैट अंडरगो सब्लीमेशन। इसके लिए देखो हमने कुछ कंपाउंड्स को याद रखना पड़ेगा कि कौन से सब्सटेंस सब्लीमेट है। सब्लीमेट कौन से होंगे, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज होते हैं। जैसे कोई भी सॉलिड को हम अगर गर्म करते हैं, पहले वो मेल्ट होके लिक्विड में आता है और लिक्विड से वेपोराइज होके गैस में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में आ जाते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड सॉलिड का कंपोनेंट हो जिसमें एक सब्लीमेट सब्सटेंस हो, उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम, सब्लीमेशन। तो यहां हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये हमें सब्लीमेट सब्सटेंस को याद रखना है कि सब्लीमेट सब्सटेंस आपके कौन कौन से होंगे। इन सब्लीमेट सब्सटेंस को कुछ याद रखेंगे, एक आप बार बार यूज करते हैं हम बोलते हैं कंफर, एक आप यूज करते हैं हम नेफ्थलीन। देखो कंफर तो नेचुरल प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, नेफ्थलीन क्या है, लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक साइक्लो कंपाउंड है, दोनों अलग अलग है। अब इस केस में नेफ्थलीन बोल देखी होगी आपने, यूज करते हैं कपूर को यूज करते हैं हम, किसी हवन वगैरह में जो यूज करते हैं, तो दोनों को थोड़ा सा अलग लेके रखना है आपने। कपूर एक साइक्लिक कंपाउंड है, यानी एक इस फॉर्म का प्रकार कंपाउंड है, तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। जैसे हमने कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज पढ़े थे हमने, तो ये तो कुछ इस फॉर्म इसी तरह का कुछ कंपाउंड है साइक्लिक, है ना, एक्यूरेट अगर ड्रा करें, और ये कंपाउंड अगर नेफ्थलीन देखें हम, तो नेफ्थलीन तो इस फॉर्म का कंपाउंड है कोई भी, ये मैनमेड लैब में सिंथेसाइज करते हैं, और कपूर आपका क्या एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो टोटली क्या है डिफरेंट। एक आपने ध्यान रखना है यहाँ, एमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl, ये भी क्या है एक सब्लीमेट सब्सटेंस है। और देखो एक अच्छा सा एग्जांपल, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये कंपाउंड्स आगे सीखेंगे तो नाम जरूर याद रखना है आपने कि कंफर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, या इसके अलावा कौन सा कंपाउंड है, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है आपका, सॉलिड CO2, जिसको किसी फेस्टिवल्स में हम यूज करते हैं ये शो करने के लिए कि आर्टिफिशियल रेन हो रही है ना, स्प्रे की फॉर्म में देखा होगा आपने, जैसे हम किसी सेंट की बोतल रखते हैं, स्प्रे बोतल आती है और उसको जैसे ही पुश करते हैं तो हाई प्रेशर से सोलिडिफाई करके CO2 गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जैसे उस नोब को दबाते हैं प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, एक साथ वो लीक आउट करती है, और सॉलिड फॉर्म से भी डायरेक्टली क्या होती है, इवापोरेट हो जाएगी गैसी स्टेट में, और ये कपड़ों को गीला नहीं करती है, दैट मींस इसको हम ड्राई आइस बोल देते हैं। देखने में तो आइस लगती है लेकिन ड्राई है, यानी नॉट वेट द क्लोथ, दैट्स व्हाई नोन एज ड्राई आइस। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, सब्लीमेट सब्सटेंस है। तो आपने याद रखना है, अगर इनमें से कोई एक सब्सटेंस दे रखा है, साथ में कोई भी आपका आयरन है, वुड पीसीज है, सैंड है, स्टोन है, मिक्सअप कर रखा है,
तो इजिली हम किससे अलग करेंगे उसको? सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन मीन्स उसके अंदर मिक्सर में एक सब्लिमेट सब्सटेंस होना चाहिए। कंडीशन ये रहेगी हमारी, जिसमें से जैसे ही गर्म करेंगे एक इवापोरेट हो जाएगा और एक किसमें रह जाएगा? सॉलिड स्टेट में। तो ऐसे प्रोसेस में देखो, अगर सेपरेट आउट करना है आपने, तो अपना एग्जाम्पल लेके अगर देखें हम, तो कंडीशन क्या रहेगी? एक सब्लिमेट सब्सटेंस होगा, और आपने ये कुछ सब्लिमेट सब्सटेंस के एग्जाम्पल याद रखने। जैसे आपको एग्जाम्पल कंडीशन यहाँ रखे, यहां आपका क्या कंडीशन होने चाहिए? वन कंपोनेंट मस्ट बी सब्लिमेट, उनमें से क्या होना चाहिए? सब्लिमेट होना चाहिए, और दोनों के अंदर क्या होगा आपका? डिफर इन देयर, अगर हम देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, बाकी इजिली सेपरेट आउट हो जाता है अगर एक सब्लिमेट है। जैसे आपने आयरन में से और कंफर को अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे हम? ऐसे कंपोनेंट दे दिया, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि हम इसका सब्लिमेशन करवाएंगे, और सब्लिमेशन करवाएंगे तो कंपोनेंट जो आपका कंफर था वो तो सेपरेट आउट हो जाएगा, और आयरन सॉलिड स्टेट में रह जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? गैसी स्टेट में। जैसे हम इसको स्लाइटली हीटिंग करेंगे, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? टू कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जनरली लैब में कैसे करते हैं? देखो, हम इसी प्रोसेस को लैब में कैसे हैंडल करेंगे? लैब में करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं। देखो, हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गोज लगाएंगे, इसके ऊपर हम चाइना डिश यूज करते हैं ना, जैसे अपने चाय वाली कॉफी कप होता है उसी की तरह एक छोटी सी कटोरी रखते हैं लैब में, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं। इसके ऊपर क्या रखेंगे हम? फेनल यूज करेंगे। फेनल क्या होती है? इस तरह से, जिसको आप किप बोलते हैं, आपने घर में भी देखा होगा तेल वगैरह डालने के लिए यूज करते हैं, इस फेनल को लगाते हैं। फेनल को यहाँ कॉटन से क्लोज कर देते हैं। अब नीचे से हम क्या करेंगे? इसको बर्नर से हीट अप करते हैं। जैसे हम हीट अप करेंगे, देखो, बर्नर की फ्लेम से यहां इसके अंदर जो सॉलिड कंपोनेंट था वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होके इस कंटेनर के साथ जैसे हाई लेवल पे जाएगा तो सोलिडिफाई हो जाएगा। और जनरली अगर आपने कंफर यूज किया है तो इस तरह से नीडल शेप की शेप देता है हमें, और ये इवेपोरेट हो रहा है आपका, और जो भी नीचे इंप्योरिटीज होंगी वो नीचे सेटल डाउन रह जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब देखो, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट का याद रखना है, लैब में यूज करते हैं, जो हमने ये यूज किया इसको हम क्या बोलते हैं? बर्नर, जो हीट अप करने के लिए यूज करते हैं। ये जो हमने स्टैंड लगाया इसको बोलते हैं हम ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड इसलिए बोलते हैं, यहां मैंने टू ही मेंशन किए हैं, इसके थ्री लेग्स होती हैं, तो ट्राइपॉड स्टैंड बोल देते हैं, है ना। पीछे तीन मेंशन करेंगे तो हम बर्नर को नहीं दिखा पाते हैं। इसके बाद इस प्लेट को रखने के लिए हम जो यहां ये यूज करते हैं इसको बोलते हैं वायर गोज। और वायर गोज कैसी होती है? जैसे हम खिड़की वगैरह में जाली लगाते हैं उसी की तरह की बनी होती है ये। अब इस केस में जो हम ये कटोरी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, ये यूज करें, इसको बोलते हैं हम चाइना डिश। ये आपकी चीनी मिट्टी की बनी हुई कटोरी होती है ना, जो हॉट और कोल्ड कंडीशन बॉयल अप में भी क्रैक नहीं होती है। अब इस कंडीशन में जो हमने ये वी शेप की फनल यूज की है, जिसको आप अपनी जनरली किप की फॉर्म में बोलते हो, ये क्या है? फनल। और फनल के ऊपर यहां हमने नोब करने के लिए
कॉटन से प्लग कर दिया इसको, यानी इसके छेद को हमने बंद कर दिया। यहाँ देखो इस कंटेनर के अंदर जैसे बॉयल अप करेंगे जो इम्प्योरिटीज होंगी वो तो कहाँ रह जाएंगी, कंटेनर के अंदर। और ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये कौन सी होंगी, नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस होगा कोई भी, कौन सा होगा, नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस। और यहां इस कंटेनर के साथ में यानी इस फनल के साथ में ये जो स्टिक हो गया ये हमने कोई भी क्या होगा, जिसको आप सेपरेट आउट कर रहे हैं यानी प्योर कंपोनेंट जिसको बोले। और ये प्योर कंपोनेंट कौन सा होगा, जो भी हम सब्लिमेट सब्सटेंस को सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे अरेंज करके हम किसमें करते हैं, लैब में करवाते हैं। तो ये प्रोसेस अपना कौन सा था, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स एक कंपोनेंट सब्लिमेट होना चाहिए, उसको मिक्सर्स को चाइना डिश में जैसे हीट अप करेंगे हम तो जो सब्लिमेट सब्सटेंस था वो इवापोरेट होगा, गैसी स्टेट में आएगा। जैसे ही फनल वॉल्स की कोल्ड जो कोल्ड होगी उस टाइम ठंडी होगी रूम टेम्परेचर पे, उसके कॉन्टेक्ट में जैसे आएगा वो सोलिडिफाई हो जाएगा। तो सॉलिड कंपोनेंट तो फनल के साथ स्टिक हो जाएंगे और जो नीचे बच गया आपका नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस हैज इम्प्योरिटीज साइनाडिस में रह जाएगा। और फनल की इनर वॉल्स के साथ क्या चिपक जाता है, सब्लिमेट सब्सटेंस। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं टू कंपोनेंट्स, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, सब्लिमेट, और सेकेंड वन कैसा हो, कोई भी सब्सटेंस। इसी में एक और प्रोसेस जो हम यूज करते हैं, फोर्थ वन, सॉलिड को सॉलिड से अलग करने के लिए, एंड दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। फोर्थ वन प्रोसेस अपना कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा आपको नाम से लग रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स हम किसी भी मिक्सर में से सॉलिड कंपोनेंट जो भी हैं उसको मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट करेंगे। मैग्नेट मीन्स आपको सबको पता है चुम्बक, और ये भी पता है चुम्बक किसको अट्रैक्ट करती है, लोहे की चीज को। तो जब भी हमने अलग करना है मैग्नेटिक सेपरेशन से, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ मैग्नेट फ्रॉम देयर मिक्सचर। यहां एक कंडीशन है, वो क्या है, हम आयरन ऑब्जेक्ट को ही सेपरेट आउट करेंगे, और किस किस हेल्प से करेंगे, मैग्नेट की हेल्प से। तो दो कंडीशन है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन में, एक तो मिक्सर में आयरन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और किसकी हेल्प से करेंगे, मैग्नेट की हेल्प से। तो यहां ये कहे कि किस प्रिंसिपल पे बेस है, ये किसके ऊपर बेस है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैग्नेटिक सेपरेशन है किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड है। कई बार आपने यहां जो याद रखना है, मैग्नेटिक नेचर कौन कौन से मेटल का है, तो आयरन तो आप सबको पता है, इसके अलावा कौन कौन से हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये क्या है, ऐसे मेटल है जिसके अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है। आयरन सबको पता है, आपने अच्छे से इसको डिस्कस किया है। अब जब इन कंपोनेंट को हमने किसी मिक्सर से अलग करना हो तो हम किससे करेंगे, विद हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो अगर अपने नाइन्थ लेवल पे देखें, इसलिए सीधा लिख सकते हैं कि आयरन ऑब्जेक्ट को मिक्सर से अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें, आपने आयरन नेल्स और सैंड मिक्सअप कर रखा है, इनमें से जैसे ही आपने सेपरेट आउट करना है तो हम क्या करते हैं, उस मिक्सर में से मैग्नेट को रोटेट करेंगे, तो इजीली क्या होगा, आयरन नेल स्टिक हो जाएंगी और सैंड पीछे रह जाएगी। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट।
तो आज हमने क्या पढ़ा, सॉलिड को सॉलिड से अलग करने के लिए कुछ प्रोसेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टे